वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज आप वेदांता लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो वेदांता लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो 302.30 पे यहाँ पे आप देख सकते कि वेदांता स्टॉक ने क्लोजिंग दे चुका है, मींस ट्रेडिंग कर रहा है 302 पे। आज गिरावट देखने को मिली थी, 8 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है, 2.62% की गिरावट देखने को मिले आज वेदांता के अंदर। तकरीबन देख सकते हो कि तकरीबन वेदांता की गिरावट की वजह तो हम लोग देखेंगे न्यूज में कोई खास न्यूज है क्या। तो देख सकते हैं वेदांता टू गो एक्स डिविडेंड टूडे। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स डिविडेंड डेट जो है वेदांता की आज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी की वजह से यहाँ पे गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिले। प्रीवियस जो क्लोजिंग है 310 थी, आज ओपन हुआ गैप डाउन से तकरीबन यहाँ पे 14 पॉइंट, फिर एक यहाँ पे बाउंस बैक हो चुका है, 300 लेवल के नीचे सेटल नहीं हो पाया तो एक तेजी देखने को मिली और रिसेंटली 300 लेवल के ऊपर सेटल है। मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के ऊपर रहे, पी रेशियो जो है 6.987 का है और डिविडेंड यील्ड है 26% का। लास्ट फाइव डेज की भी बात की जाए तो देख सकते स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिले 1% से ज्यादा। तो वॉल्यूम भी देख सकते, टोटल जो ट्रेडेड वॉल्यूम है 87 लाख का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है स्टॉक के अंदर। वॉल्यूम के साथ ट्रेडेड वैल्यू जो है 26,316 लाख की ट्रेडेड वैल्यू देखने को मिले, मीन्स टोटली देख सकते कि बाइंग के लिए जो है 20 लाख क्वांटिटी पेंडिंग है तो सेलिंग के लिए जो है 17 to 18 लाख क्वांटिटी पेंडिंग है। हल्का सा बाइंग का प्रेशर भी देखने को मिला, बाइंग के क्वांटिटी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजिशन भी देखे जाए तो क्वांटिटी जो ट्रेडेड है 64 लाख, उसमें से 27 लाख डिलीवरी के लिए जा चुके हैं, कुल मिला के 43%। चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो देख सकते हैं एक्स डिविडेंड डेट है, इसी की वजह से गिरावट देखने को मिले स्टॉक के अंदर। तो तकरीबन यहाँ पे गैप डाउन से ओपन हुआ, फिर यहाँ पे तेजी देखने को मिले स्टॉक के अंदर। तो रिसेंटली देख सकते हैं तकरीबन 300 के ऊपर सेटल हो रहा है स्टॉक, तो ऊपर जाने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट वेदांता के लिए।